हमीरपुर शहर में एसडीएम शिल्पी वेक्टर की देखरेख में अतिक्रमण हटाओ अभियान को अंजाम दिया गया। इस अभियान में जहां जिला प्रशासन के लोग मौजूद रहे, वहीं पुलिस बल और नगर परिषद हमीरपुर के अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। काफी लंबे समय से ये शिकायत चली आ रही थी कि हमीरपुर शहर में अतिक्रमण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर पैदल चलने वाली जनता को अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। यह भी शिकायत थी कि कुछ दुकानदार अपनी दुकान का सामान दुकान के बाहर लगा देते थे, जिससे पैदल चलने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। हमीरपुर शहर में आज जैसे ही इस अभियान की शुरुआत हुई, दुकानदारों में हड़कंप मच गया और वह जल्दी से अपना सामान दुकानों के बाहर लगाया हुआ था उसे उठाते हुए नजर आए। किया गया है जी, कहीं गलत पार्किंग हो रही है, लोग बिना लाइसेंस के जैसे रेड़ियां लगा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके साथ ही साथ जो हमारे वॉकिंग पाथ हैं, पैदल पाथ हैं, जिसके ऊपर लोगों ने एनक्रोचमेंट की है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है। मैडम आज कितने चालान किए गए और क्या अभी करेंगे? जी एमसी वाले विल पुट अप द रिपोर्ट, क्योंकि ये क्षेत्र अधिकार एमसी का है, तो एमसी हमें बताएंगे शाम तक कि कितने चालान इन्होंने किए हैं, कितना सामान जब्त किया है। कंपाउंडिंग की रिपोर्ट हमारे पास शाम को आएगी। वहीं जब यह अभियान चल रहा था तो एक निजी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कुछ दुकानदारों ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि उनके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जो सड़क है वह निजी है और प्रशासन इस निजी सड़क पर सामान रखने से मना नहीं कर सकता। काफी देर तक इन दुकानदारों और प्रशासन के बीच बहसबाजी होती रही और अंत में प्रशासन ने उनसे जो कॉम्प्लेक्स की दुकानों से सामान जब्त किया था वह दुकानदारों को वापस लौटा दिया। एक एक जोड़ी खुली लेके गए, डिब्बे में भी बंद नहीं है, खुला माल जबरदस्ती उठा लिया, बिल्कुल जबरदस्ती उठा लिया, मैं उठा रहा था माल। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, पहले तो ये यहाँ को लॉजिक नहीं है बंद करने, अंदर सामान करने का, ये प्राइवेट जगह है, ठीक है जी, ये मेन मार्केट नहीं है, बाजार नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगर इसको यहाँ से माल अंदर करना है तो फिर रोड भी बंद हो जाएगा, ये बंद कर देगी प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो ये तो फिर तो रास्ता भी नहीं रहेगा। मतलब आपका बोलने का मतलब ये है, एक ही शिकायत है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर ये एनक्रोचमेंट का सवाल, ये बिल्कुल लॉजिक नहीं बनता इसका। प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर, प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर इंसान जैसे मर्जी अपना सामान रख सके, जैसे मर्जी उसको अंदर बाहर कर सके, वो उसकी अपनी आजादी है। इसके अंदर कोई लॉजिक नहीं बनता कि यहाँ प्रशासन का धंधा चले या प्रशासन इसको सामान को जबरदस्ती उठाए, जबरदस्ती इसको जब्त कर ले। इसमें प्रशासन ने ये जबरदस्ती की है, पता नहीं किस वजह से की है, किसने कंप्लेंट की है इस बात की, इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं और ये हमें रोष है। हम इससे डीसी साहब से भी बात करेंगे इसके बारे में कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में बिना नोटिस दिए हुए, हमें कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं दी कि आपने माल बाहर नहीं लगाना है, उसके बावजूद बिना सूचना दिए हुए एकदम आए और माल उठाया, गाड़ियों में भरा ले चले।